एसएम न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। हम हैं जंतर मंतर पर, ये लगातार 5 तारीख से लगातार यहाँ धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। और आइए इनसे हम जानकारी लेते हैं कि सरकार के साथ में इनकी क्या वार्तालाप हुआ और सरकार ने क्या आश्वासन दिया। शाइमा परवीन हमारे बीच में हैं, आइए हमसे जानकारी लेते हैं, क्योंकि सरकार से जब बात करने गए थे, उनके प्रतिनिधित्व से बात करने गए थे, उस प्रतिमंडल के अंदर शाइमा परवीन थी। आइए इनसे हम बात करते हैं। मैडम, अभी आपका जो वार्तालाप के लिए आपको बुलाया था, तो आपकी क्या बातें हुई सरकार से? मेरा नाम साइमा जमीर है, मैं मेरठ से आई हूँ और अखिल भारतीय आंगनवाड़ी कर्मचारी महासभा की प्रदेश अध्यक्ष हूँ जी। मैं अंदर वार्ता के लिए गई थी, जिस तरीके से यहाँ से वार्ता के लिए लेके जाया जाता है वो बिल्कुल गुमराह करने वाली चीज़ है। जाओ प्रधानमंत्री कार्यालय में, जाओ स्टैंप लगवाओ, ज्ञापन दो और चले आओ। तो जब तक वार्ता ही नहीं होगी तो समस्या का कोई हल भी नहीं होगा। तो कोई वो क्या वार्ता हुई, वार्ता ही नहीं है। मैं तो उसको वार्ता ही नहीं मानती, ऐसे तो मैं डाक से भी चिट्ठी पत्र भेज सकती हूँ और जवाब ले सकती हूँ। तो इसलिए मैं उस वार्ता से सेटिस्फाई नहीं हूँ। मोदी जी के यहाँ भी गए, अरुण जेटली जी के यहाँ भी गए, संसाधन मंत्रालय में भी गए, लेकिन जो है सब जगह जाओ स्टाम्प लगवाओ और ज्ञापन दो और चले आओ। तो वो मैं वार्ता नहीं मानती, मैं उस वार्ता से सेटिस्फाई किसी भी कीमत पर नहीं हूँ। फिर हमारी वार्ता डायरेक्टर साहब से करवाई गई, जो बाल विकास मंत्रालय के हैं, हमारे महिला बाल विकास मंत्रालय के वी सिंह जी, उनसे हमारी वार्ता हुई 15 सूत्रीय ज्ञापन को लेके। लेकिन जो उन्होंने जवाब दिया कि हो जाएगा, कर दिया जाएगा, क्या मतलब है हो जाएगा कर दिया जाएगा? अरे एक देश में हो के मोदी जी, एक देश में एक जैसा कानून नहीं ला सकते, तो प्रधानमंत्री बने रहने का कोई हक नहीं है ऐसे प्रधानमंत्री को। मैं नहीं मानती कि वो ऐसे प्रधानमंत्री हैं, मैं नहीं समझती कि प्रधानमंत्री हैं। अरे कम से कम अपने भारत देश में, भारत वर्ष में जो सोने की चिड़िया कहलाया गया, महिलाओं को एक सम्मान दिया गया कि महिला जो है पुरुष प्रधान देश होते हुए गंगा मैया, धरती माता, सब चीज़ को जो है महिलाओं को आगे रखा गया। और मोदी जी इन महिलाओं के साथ कितना बड़ा मतलब शोषण कर रहे हैं इन लोगों का, ये एक सोचने वाली विडंबना है। एक तरफ कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, शौचालय किसी चीज में मोदी जी की अगर बात करी जाए तो बिल्कुल मोदी जी एक फेल प्रधानमंत्री के लिए आज फेल प्रधानमंत्री मानती हूँ मैं। और जिसके लिए अगर मोदी जी मुझसे डिबेट कर लें तो हर एक चीज़ का साक्ष्य जमीन से मोदी जी को मैं ला कर दूंगी। मैं नेता नहीं हूँ लेकिन जमीन से जुड़ी हुई, अपने प्रांत की, उत्तर प्रदेश की अध्यक्ष होने के नाते मेरा कोई प्रदेश ऐसा नहीं बचा जहाँ मेरे पास जो है 1000-2000 की भीड़ नहीं है किसी भी जिला में। और जो वहाँ उन्होंने कहा कि पांडे, हमने कहा पांडेचेरी में परमानेंट है आंगनवाड़ी, तमिलनाडु में सरकारी कर्मचारी घोषित किए गए हैं। तो ये बता दीजिए, जब आंगनवाड़ी परियोजना, उन्होंने कहा कि ये परियोजना है, राज्य सरकारें इसको अपने हिसाब से लगाइए, तो हम एक बात पूछना चाहते हैं कि पांडेचेरी में ये केंद्र की परियोजना है, तो जब परियोजना केंद्र की है तो पूरे उसमें क्यों नहीं योगी जी एक सिस्टम से लागू कराते हैं? अगर वो आंगनवाड़ी ICDS का काम करती हैं तो हम भी ICDS का काम करते हैं, उनको 19,000 हमको 3,000, तो ये कहाँ का न्याय है? ये न्याय नहीं, अन्याय है, अन्याय नहीं शोषण है। और मैं कहूंगी कि सन 2019 में हम 24 लाख आंगनवाड़ी हैं, 24 लाख हमारे हेल्पर हैं, इतने हमारे पति हैं, इतने हमारे बच्चे हैं। अमित शाह जी और मोदी जी आंकड़ा लगा लें कि सरकार उखाड़ के नहीं फेंक दी सन 2019 में, मैं इस चीज का वादा करती हूँ। इतना हो सकता है कि मोदी जी मेरा मर्डर करवा दें या मेरे ऊपर 2-4 केस लगवा दें, मैं उन चीज से नहीं डरूंगी, अपनी बहनों के लिए जान दे दूंगी, लेकिन अब इनका हक मोदी जी से और सरकार से छीन के ही रहूंगी, ये मेरा कमिटमेंट है अपनी बहनों के साथ। एक तो कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, ये सिर्फ ढकोसले बाची है, बताइए मुझे कहाँ दिया जा रहा है। वो कहते हैं कि शौचालय मुक्त, मैं मेरे पास अभी एक दो वीडियो भी है, मैं दिखा सकती हूँ, जो ODF से 12,000 की लैट्रिन बनी है उसमें मात्र एक तसला सीमेंट लगा हुआ है, 15 दिन बने हुए नहीं हुई और वो वहीं की वहीं धस रही है। नहीं है तो गाँव में जाके उसका जो है सत्यापन कर लीजिए। कहते हैं कि आंगनवाड़ी पुष्टाहार चोर है, पंजीरी चोर है, मैं मोदी जी से कहना चाहती हूँ कि उस पंजीरी को वो अपने बच्चों को खिला के दिखा दे कोई भी, लेकिन हम लोग गरीब होने के नाते हमारे बच्चे उसको खाते हैं तो क्या उससे कुपोषण दूर हो जाएगा? हम कहते हैं कि जितना पैसा उसके ऊपर व्यय करते हैं सरकार, पर उसमें नीचे से लेकर ऊपर तक सारे मंत्री उसको खा जाते हैं, उसे बंद कर दें, जो देना है आंगनवाड़ी को मान दे, नहीं वेतन मान दे और उसको सीधा जो है लाभार्थी के खाते में डालें, ताकि उनके माँ बाप उन्हें अच्छा जो है खाना खुला सके और कुपोषण को भगा सके, ना कि इस पुष्टाहार से इसे लेकर नीचे से ऊपर तक सब लोग खा जाते हैं। हमारे पास तो ये
क्या जाता है, सड़े हुए गेहूं का आटा और उसमें सड़ी भूसी चीनी, सड़े भूसे चने, बता दीजिए कौन खा लेगा, उससे क्या कुपोषण दूर हो जाएगा? मैं नहीं मानती। और ये तो अभी सांकेतिक धरना दी है, मैं इस चीज का वादा कर रही हूँ, सन 2019 में जब चुनाव होगा, जहां जहां मोदी जी के भाजपा के लीडरों की जो है मीटिंग होगी, वहीं आंगनवाड़ी का मंच लगेगा और जमीन से जुड़ी हुई हर एक सच्चाई खोल के आंगनवाड़ी सामने रखेंगी। रखेंगी या नहीं? हाँ बिल्कुल। अब हम मोदी जी के झूठे झांसे में मेरी बहनें नहीं आने वाली। अमित शाह ने, राजनाथ जी ने ये कहा था कि हमारी सरकार बनवा दीजिए, सबसे पहले आते ही आपको परमानेंट कर देंगे। अरे परमानेंट करने की तो बात बहुत दूर, अरे भगवा कलर पहन के तुमने तो जो है, शर्म की बात है कि भगवा कलर पहन के लोग झूठ नहीं बोलते, लेकिन तुमने तो इन प्यारी मेरी छोटी छोटी प्यारी प्यारी बहनों को, तुमने महिलाओं को हर लिया, आप अपनी पत्नी को ही नहीं रख पाए, तो इनका दर्द क्या समझेंगे? मोदी जी ना समझे हैं, ना समझेंगे।